नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइन एक 1990 की भारतीय 85 रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली मां के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना।
आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में, जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबी भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की
छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइन एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है,
जहाँ नाग पंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना, आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में, जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी, सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत, तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990, स्थल मुंबई, स्टूडियो महबूब, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबी भाषा हिंदी, लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड, निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद, कालक्रम, तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1, मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो
बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइंड एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को बस में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम, बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली मां के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की
मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी। सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत। तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम। तकदीर का तमाशा। तुम मेरे हो जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी। इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो,
ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइन एक 1990 की भारतीय फंतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा, शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके
परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में, जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचाने। सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत। तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबी भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम। तकदीर का तमाशा। तुम मेरे हो जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी। इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3,
इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के दो गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी यू आर माइंड, एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को बस में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम, बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली
माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत तुम मेरे हो, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को
उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो बीटू, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो पृथ्वी, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के दो गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी यू आर माइन, एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा, शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ, शिव के ज्ञान के लिए कम, बचपन के दौरान
उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में, जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बाचानी सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत तुम मेरे हो, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990, स्थल मुंबई, स्टूडियो महबूब, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबी भाषा हिंदी, लेबल युक्तियां कैसेट और रिकॉर्ड, निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद कालक्रम, तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने
गाया है। जतन चाहे जो कर ले, V2 इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2 इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3 इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के दो गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइन एक 1990 की भारतीय फंतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं।
और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ शिव के ज्ञान के लिए कम बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत तुम मेरे हो, साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990, स्थल मुंबई, स्टूडियो महबूब, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, भाषा हिंदी, लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड, निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद कालक्रम तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है।
शीशा चाहे टूट भी जाए। इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के दो गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो अंग्रेजी यू आर माइन एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा, शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे
उससे प्यार हो जाता है, वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ, शिव के ज्ञान के लिए कम। बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना, आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह पारो के पिता के रूप में अजीत। बचाने, सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में, कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में, मेनका पटेल पूनम के रूप में, निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत, तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990, स्थल मुंबई, स्टूडियो महबूब, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबी भाषा हिंदी, लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड, निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद, कालक्रम, तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना
कृष्णा शरण द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी। इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी यू आर माइन, एक 1990 की भारतीय मतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा।
शिव। आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ, शिव के ज्ञान के लिए कम। बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह, पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी। सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में कल्पना अय्यर, मदर स्नेक के रूप में मेनका पटेल, पूनम के रूप में निसार खान, अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत। तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम। तकदीर का तमाशा। तुम मेरे हो जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था।
था जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी यू आर माइन, एक 1990 की भारतीय फंतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा
हिंदी बॉक्स ऑफिस रुपये 38 मिलियन 2020 में रुपये 320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को वश में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह पारो के पिता के रूप में अजीत। बचाने। सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में कल्पना अय्यर, मदर स्नेक के रूप में मेनका पटेल, पूनम के रूप में निसार खान, अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत। तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबी भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम। तकदीर का तमाशा। तुम मेरे हो जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत
मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, LP रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी You Are Mine, एक 1990 की भारतीय फंतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन NV श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो,
प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज। रिलीज की तारीख 25 मई 1990। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा। शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को बस में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ। शिव के ज्ञान के लिए कम। बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना। आमिर खान शिव के रूप में पारो के रूप में जूही चावला इशरत अली चौधरी चरण सिंह पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में कल्पना अय्यर मदर स्नेक के रूप में मेनका पटेल पूनम के रूप में निसार खान अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990। स्थल मुंबई। स्टूडियो महबूब। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबी भाषा हिंदी। लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड। निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद। कालक्रम तकदीर का तमाशा तुम मेरे हो जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल
उदित नारायण, अनुपमा देश पांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तुम मेरे हो मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अंग्रेजी यू आर माइन, एक 1990 की भारतीय फंतासी रिवेंज ड्रामा फिल्म है, जिसमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर ने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में नकारात्मक भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन ताहिर हुसैन ने किया था। निर्देशक ताहिर हुसैन, पटकथा की है ताहिर हुसैन एम कलीम रही, कहानी द्वारा ताहिर हुसैन सुरेंद्र सिंह,
द्वारा उत्पादित ताहिर हुसैन, अभिनय आमिर खान, जूही चावला, छायांकन एन वी श्रीनिवास, नूर मोहम्मद, संगीत दिया है आनंद मिलिंदो, प्रोडक्शन कंपनी ताहिर हुसैन इंटरप्राइजेज, रिलीज की तारीख 25 मई 1990, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस ₹38 मिलियन, 2020 में ₹320 मिलियन या $4.2 मिलियन के बराबर। कहानी की समीक्षा, शिव आमिर खान को जादुई सर्प आकर्षक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। जब वह पास के एक गांव की पारो जूही चावला से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है, वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन पारो के पिता चौधरी चरण सिंह इस मैच से खुश नहीं हैं और वह शिव को बस में करने और मारने के लिए पुरुषों को काम पर रखता है। सब व्यर्थ, शिव के ज्ञान के लिए कम। बचपन के दौरान उनके पिता ने अपने लालच को पूरा करने के लिए एक आकार बदलने वाले सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। सांप की शक्तिशाली माँ के क्रोध को अर्जित किया, जो सटीक बदला लेने का वादा करता है। शिव को काट लिया गया था और मृत समझे जाने पर उनके परिवार ने प्यार से उनके शरीर को एक नदी में भेज दिया, जिसे शिव के दत्तक पिता ने खोजा और पुनर्जीवित किया। फिर उन्हें काले जादू की मदद से वापस लाया गया और बाबा ने उन्हें गोद लिया, जो उन्हें काला जादू भी सिखाते हैं। उनके शहर में एक रस्म होती है जहाँ नागपंचमी पर जो कोई भी किसी लड़की का अपहरण कर उसे अपने घर ले जाता है, वे उससे शादी कर सकते हैं। ढालना, आमिर खान शिव के रूप में, पारो के रूप में जूही चावला, इशरत अली चौधरी चरण सिंह पारो के पिता के रूप में अजीत। बचानी, सुधीर पांडे ठाकुर चौधरी के रूप में कल्पना अय्यर, मदर स्नेक के रूप में मेनका पटेल, पूनम के रूप में निसार खान, अनिरुद्ध अग्रवाल। गीत संगीत, तुम मेरे हो साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा आनंद मिलिंदो। रिहा 1990, स्थल मुंबई, स्टूडियो महबूब, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबी भाषा हिंदी, लेबल युक्तियाँ कैसेट और रिकॉर्ड, निर्माता आनंद मिलिंदो। आनंद मिलिंद, कालक्रम, तकदीर का तमाशा, तुम मेरे हो, जहरीले। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, एलपी रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट
और रिकॉर्ड्स में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा तैयार किया गया था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1990 में ऑडियो कैसेट, LP रिकॉर्ड और टिप्स कैसेट और रिकॉर्ड में ऑडियो सीडी पर जारी किया गया था, जिसे टिप्स इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गाना नंबर 1 मैंने डावा ली थी, इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। शीशा चाहे टूट भी जाए, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। जतन चाहे जो कर ले, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया है। जतन चाहे जो कर ले V2, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो, इस गाने को उदित नारायण, अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो V2, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। तुम मेरे हो P3, इस गाने को उदित नारायण और अनुपमा देशपांडे ने अपनी आवाज़ में गाया है। इस मूवी के 2 गाने शीशा चाहे टूट भी जाए और तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो, ये दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए, जो जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाए गए हैं इस मूवी में। ये दोनों गाने बहुत अलग तरह की छाप छोड़ते हैं।